नमकीन भी ना, मतलब सुबह उठ के पता ना कहाँ चली जाती है, मतलब बिस्तर तो कम से कम साफ कर लेती है। साफ तो कैसे सोती है ये, बिल्कुल बिस्तर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और वैसे मालिक भी नहीं है, तो ऐसा होता कैसे है? हमको तो लगता है ना वो ड्राइवर है ना, उसके साथ सेटिंग वेटिंग तो नहीं हो गया। खैर हमको इससे क्या करना है, मैं जा रहा हूँ चाय पानी का बंदोबस्त करने, वही बनाएंगे या पीऊँगा, वो आएगी तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा अरे बाबा, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू काम कर कर के एकदम थक गया हूँ, थोड़ा बैठ के आराम कर लेता हूँ। ओ हो, क्या बात है मालिक साहब? नहीं नहीं सो जाइए आप, आप ही के लिए तो है ये। मैं मतलब ना ऐसे गदगद देखा ना ये बिस्तर, तो बैठ गया था बस। गदगद देखा? कभी देखा नहीं क्या ऐसा बेड? आप ही के घर में देखा हूँ, बाकी कहाँ दूसरे जगह देखा। अच्छा ठीक है। ओ नाश्ता तैयार हो गया? नहीं अभी जा ही रहा था मैं, किचन में जा रहा था। अच्छा ठीक है। वो जो क्या नाम है, और हाँ वो मेरे देवर जी आपके छोटे मालिक, हाँ वो आज हॉस्टल जा रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते का ऑफ लिया हुआ था उन्होंने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उनको नाश्ता पानी करवा दो और चाय। ठीक है ठीक है। नाश्ते में मतलब क्या बनाना है कुछ बता देती तो? वो तो डाइट पे तो लाइट सा कुछ बना दो। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा हैवी ऑयली नहीं बनाना। ठीक है जाओ। ठीक। बताओ ये तो ऐसे ही करता होगा पीछे से, पूरा दिन पड़ा रहता होगा, कैसे आराम से बैठा हुआ था? नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर तो अब लगता है। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुबह जिम से आई हूँ, मैं आराम भी नहीं किया मैंने। समझ नहीं आया मुझे, एक हफ्ता कैसे बीत गया घर पे कुछ पता ही नहीं चला, फिर से हॉस्टल जाओ। ये हॉस्टल की लाइफ ना, कोई बात नहीं, 2 साल और, 2 साल के बाद मैं भी आजाद हो जाऊंगा। हॉस्टल में कैसे रहना है ना ये तो मैं ही जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जब तक हूँ तब तक हूँ, जिंदगी भर हॉस्टल में तो बिताने नहीं मुझे। छोटे मालिक अभी ले आया तुम? आप साहब हॉस्टल जा रहे हैं? हाँ वो क्या है कि मेरे हॉस्टल के जो दिन थे वो कंप्लीट हो गए। अच्छा अच्छा, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ मैडम बता रही थी कि 5 दिन की छुट्टी पे आए थे, तो आप 5 दिन हो गया वो चले जाएंगे, तो भाई आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? वही मतलब अब तो कम से कम वही पिछले हफ्ते आना होगा मेरा। तो मतलब आप अगले हफ्ते आ जाएंगे? हाँ अगले हफ्ते आ जाऊँगा मैं। अच्छा अच्छा, तो मलिक 150 रुपया है क्या पैसे? हाँ हाँ, वो मेरी जो पैंट रखी हुई है ना उसमें वॉलेट रखा, उसमें से ले लो जाके जाओ। क्योंकि मालकिन को तो मैं बोलता नहीं हूँ, 100-200 जरूरत होता है तो आप ही को बोलता हूँ। समझ गया मैं, जाओ 150 ले लो उसमें से। ले लो ठीक है। ये भी ना 100-150 रुपये मांगते हैं, मैं जानता हूँ किस लिए पैसे मांगते हैं। जब तक ये पी ना ले ना, 2 पैक ना लगा ले, तब तक ना तसल्ली नहीं मिलती। चलो यार कॉफ़ी भी जितनी पीनी थी मैंने पी ली, लेकिन भाभी कहाँ है? अब मैं हॉस्टल के लिए लेट हो रहा हूँ, चल एक और भाभी को चल के देखता हूँ, पता नहीं कहाँ है भाभी। हाँ वो तो सब ठीक है, बट आप आ कब रहे हो? क्यों क्या हुआ? आपने 1 साल का बोला था आपने 1 साल में आ जाऊँगा मैं, और 1.5 साल हो चुके हैं अब भी आपका कोई नामो निशानी है आने के लिए। अरे तो तुम्हें बताया तो था, यहाँ आने के बाद वीजा मेरा 1 साल का और बढ़ गया, और वैसे भी देखो छोटे का पढ़ाई है और खर्चा इतना ज़्यादा है, हॉस्टल का हमेशा हर महीने फीस जमा करना पड़ता है मेरे को। हर चीज़ का ठेका आपने ले रखा है क्या? वो भी बड़ा हो गया अब। तो कोई बात नहीं, 1-2 साल की बात और है, उसकी पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी तो जिम्मेवारी भी मेरी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो अपना नौकरी करेगा अपना कमाएगा। अब मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, बस आप जल्दी से जल्दी आ जाओ ना यहाँ पे। अरे आ जाऊँ मुझे पता है, वो भी हॉस्टल जा रहा है, फिर मैं अकेली पड़ जाऊँगी यहाँ पे, कोई भी नहीं होगा बात करने के लिए। अरे रामू तो है ना, अब उससे मैं क्या बात करूँ।
चलो वो तो मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आ जाऊँगा। बस ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने की बात है, 5-6 महीने में आ जाऊँगा। मुझे पता है कि मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। और वैसे एक चला गया क्या रोहन? नहीं नहीं अभी नहीं गया रोहन, वही शायद जाएगा अभी। जब तो टाइम भी हो गया है, पता नहीं अब तक तो आया नहीं मेरे पास वो। चलो ठीक है फिर, मैं रखता हूँ, उसको भेज देना। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है फिर। भाभी, अरे आप यहाँ लेटे हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा। अरे तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी मैं। वाह, आप भैया से बात कर रहे हो, तो क्या करूँ बताओ। और आपको ये नहीं पता कि मुझे आज हॉस्टल जाना है? हाँ मुझे पता है, याद है मुझे आपको जाना है, बस थोड़ा आपके भैया का फोन आ गया था तो वही बात कर रही थी मैं। मतलब भैया से बात करनी इम्पोर्टेंट है ना? वो तो है। करो ना, किसी ने मना थोड़ा ना करा। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। हाँ मुझे, चलो फिर। अब सब कुछ सामान पैक कर लिया सारा? सब कुछ पैक है। नाश्ता कर लिया? वो तो मैंने कर लिया, कॉफी मिल गई थी मुझे। कॉफी कॉफी पिया क्या? हाँ अभी मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा। तो कुछ पैक कर दूंगी टिफिन में तुम्हारा। हाँ। रास्ते में खा लेना। रास्ते में खा लो। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। अरे भाभी, रामू कहाँ रह गया अभी? ये है, इतना ही काम में ढीला ही है हमेशा, ऐसे करता है। रामू, चलो वो आ जाएगा, तुम अपने खाने का ध्यान रखना और पढ़ाई पे ध्यान देना प्लीज। अरे बैग वगैरह तो पैक करने के लिए उसी को बोल रखा था ना मैंने। वो कर देगा, आ जाएगा। तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ वो सुन रहे हो? मैं सब समझ रहा हूँ भाभी साहब। अरे इसमें खाने पीने का सामान है आपका, कपड़ा वपड़ा प्रेस करके रख दिया। अच्छा ठीक है, लाओ दो। अच्छा जो बिस्किट्स मंगवाए थे वो डाल दिए? हाँ वो। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। और कुछ दोगे क्या इसको? इतना जा रहा है। नहीं, नहीं। चलो अब तो ये चले गए, अब मैं क्या करूंगी, किससे बातें करूंगी? देवर जी थे, थोड़े हंसी मजाक कर लेते, टाइम पास हो जाता था। ये विदेश में जाके बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ अकेली, और देवर जी चले गए आज हॉस्टल। चलो क्या ही कर सकते हैं, अब जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, टाइम पास तो करना ही है। साहब, आपके पास 150 रुपये हैं क्या? फिर से तुम्हें 150 रुपये चाहिए? आप तो जानते हैं कि मैं बल्कि से नहीं मांग सकता। अच्छा ठीक है, तुम्हें उसी चीज़ के लिए चाहिए 150 रुपये? नहीं, आज तो दूध दूध लेना है। मुझे पता है तुम कौन सा दूध पीते हो कौन सा नहीं। चलो नीचे तक छोड़ के आओ, मुझे ले लेना मुझसे पैसे। ठीक है। पता नहीं रामू कहाँ रह गया, कब से गया रोहन को छोड़ने के लिए। काम चोर कहीं का, बस काम से भागने के लिए बोल दो उसको, भागता रहेगा, काम नहीं करना इसको। देखो जरा ये है कहाँ पर। करीब ना, अरे नखरा करेगा, पहले तो कभी नहीं करती थी ना। रामू आ जाओ ना, सबको ये मिल जा। अरे यार मैं जानता हूँ ना, नाराज हो तुम ना काफी दिन के बाद। लगता है इसको किसी की याद आ रही है तभी बड़बड़ा रहा है। मुझे भी अपने पति की याद आ रही है, और इसको होश भी नहीं है लगता मुझे ऐसा, तो क्यों ना। इसको मैं अपने रूम में लेके चलती हूँ। रामू उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, उठो उठो। अरे शकुंतला। हाँ कहाँ गया ना मेरे पास आना तो। शकुंतला मुझे पता है ये मैं गलत कर रही हूँ रामू के साथ, लेकिन क्या करूँ, वो तो चले गए विदेश, मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, तो मैं किसको बोलने जाऊँ।
माफ़ करना मुझे प्लीज़।